आत्मा पावन आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा का आदर में नवेना के पांचवें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 12 में, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना है। वास्तव में पवित्र आत्मा हमें बताता है परिस्थिति के हिसाब से हमें क्या बोलना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो पवित्र आत्मा हर एक चीज़ के बारे में हमें बताता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, पवित्र आत्मा को ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम पवित्र आत्मा के लायक बने, उसके हिसाब से जीवन जिए, तो हमें पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनाई देगा। वह हमें बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आइए हम आज विशेषकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए हमारी मदद करे, ताकि हम पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई करने के लिए दिन प्रतिदिन उसको अपने जीवन में जगा दे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। Baby।
कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो, तो वो मेरे पास आए, तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए, और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल, हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम आनंद, आनंद शांति, शांति सहनशीलता, सहनशीलता मिलनसारी, मिलनसारी दयालुता, दयालुता ईमानदारी, ईमानदारी सौम्यता, सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार, एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके, उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि, बुद्धि सुमति, सुमति धैर्य, धैर्य ज्ञान, ज्ञान भक्ति, भक्ति ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए, पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके, यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द विश्वास, विश्वास चंगाई, चंगाई भविष्यवाणी, भविष्यवाणी आत्माओं की परख, आत्माओं की परख अनोखी भाषा, अनोखी भाषा भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के, तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके, सुयोग्य साक्षी बन सके। आमेन, आमेन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय की घृणा को निकल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय की निराशा को निकल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के घमंड को निकल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के क्रोध को निकल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के असत्य को निकल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय के आलस्य को निकल कर मुझे उत्साह देने, हे पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। करना आत्मा पवन आत्मा
आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस नवेना के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं तेरे आत्मा के अभिषेक के लिए। तूने वायदा किया है, उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ए पवित्र आत्मा, जिस तरह पेंतकोस के दिन शिष्यों पर आग के जीवों की तरह उतर आया था, उसी तरह हम पर उतर आइए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें प्रेम और शांति से भरने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। इन दिनों हम पवित्र आत्मा की फल पर मनन चिंतन कर रहे हैं। अगला फल है मिलनसारी। मिलनसारी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मिलनसार होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलनसार नहीं होते हैं। भलाई करने वाले, भलाई ना करने वाले। हम प्रभु येसु के बारे में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में कि ईश्वर ने येसु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। प्रभु येसु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, भलाई करते रहे। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं कि हम भलाई करते करते हिम्मत ना हारें, हम भलाई करते करते हिम्मत न हारें। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। पौलुस कहते हैं कि हम येसु मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलें। मिलनसारी पवित्र आत्मा का फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो जाता है, हम ज्यादा मिलनसार होते हैं। मिलनसार कौन होता है? जिसका मन खुला है, जिसका मन संकीर्ण नहीं है, जिसको हम कहते हैं विशाल मनस्क, जिसके मन में पूर्वाग्रह नहीं है, जिसके मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार नहीं हैं। मिलनसार ऐसे व्यक्ति होते हैं। मिलनसार वे लोग होते हैं जिनके दिल खुले हुए हैं, सबके लिए खुले। प्रभु येसु का उदाहरण लीजिए। प्रभु येसु का हृदय सबके लिए खुला हुआ था, पापियों के लिए, रोगियों के लिए, सबके लिए खुला। हर प्रकार के लोग येसु के पास आया करते थे। कोढ़ी येसु के पास आते थे, वेश्याएं येसु के पास आते थे, चुंगी लेने वाले जो पापी समझे जाते थे वे येसु के पास आते थे, बच्चे येसु के पास आते थे। हर तरह के इंसान के लिए येसु के हृदय में स्थान था, येसु का हृदय खुला था। मिलनसार वे लोग होते हैं जो मृदुल स्वभाव के हैं, जो मृदुल स्वभाव के होते हैं। मिलनसार वे होते हैं जो सबको सम्मान देने वाले होते हैं, जो अहंकारी नहीं होते हैं, जो स्वार्थी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को सभी चाहेंगे। मिलनसार लोगों को सभी चाहेंगे, सभी उनके साथ हिल मिल के चल सकते हैं। मिलनसार लोग वे होते हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। स्वार्थी लोग मिलनसार नहीं हो सकते हैं। जो अपने ही बारे में सोचने वाले, अपने ही भलाई के बारे में सोचने वाले कभी भी मिलनसार नहीं हो सकते हैं। मिलनसार वे होते हैं जो उदार होते हैं और दूसरों की सेवा करने को तैयार होते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं।
पवित्र आत्मा हमारे अंदर संवेदना लाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते ही हम संवेदनशील बन जाते हैं। हम माता मरियम का उदाहरण लेंगे। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद माँ मरियम क्या करती हैं? माँ मरियम एलिजबेथ की सेवा करने के लिए चली जाती है। जब स्वर्गदूत ने माँ मरियम से कहा कि एलिजबेथ अपनी वृद्धावस्था में गर्भवती हैं, अब ये छठा महीना है, तो मरियम को एलिजबेथ की पीड़ा का एहसास हुआ और वो एलिजबेथ की सेवा करने के लिए, भलाई करने के लिए वहां से चल पड़ती है, शीघ्रता से चल पड़ती है। वचन कहता है पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है, दूसरों की भलाई के लिए कोई भी त्याग करने के लिए हमें मजबूर करता है, हमें शक्ति देता है। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम दूसरों की भलाई करने लगते हैं। ऐसे लोगों को सभी लोग चाहेंगे, ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, ऐसे लोगों को सभी याद करते हैं, ऐसे लोगों को लोग खोजते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें कितना मूल्यवान बनाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के ऊपर कांटे हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर कांटे हैं। आप जानते हैं एक जानवर है साही, साही के शरीर पर कांटे होते हैं। कोई उसको पकड़ने जाए या उसके करीब जाए तो वो कांटे फेंकता है। कभी कभी कई इंसान इसी तरह होते हैं, उनके करीब जाने पर कांटे फेंकते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि कोई उसके पास फिर जाने को हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन एक मिलनसार व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके ये सारे कांटे कट गए हैं। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पॉलिश करेगा, ये सारे कांटे काट देगा और हमें ज्यादा चिकना और स्वीकृति पूर्ण बनाएगा, जो लोगों की भलाई करने के लिए तैयार होने वाला होगा, लोग उसके करीब आ जाएंगे, लोग उसको चाहेंगे, लोग उसमें अपनापन महसूस करेंगे, लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे ही प्यार करते हैं, हमें ही प्यार करते हैं। मिलनसार लोग ऐसे होते हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो मिलनसार हो जाता है। यीशु के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए थे, वो मिलनसार बने, भलाई करते रहे, सबके लिए अपने हृदय को खुला रखे। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मिलनसार बनाए। हमारे परिवारों में झगड़े का, हमारे समुदाय में झगड़े का एक कारण है कि हमारे ऊपर कांटे हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारे व्यवहार चोट पहुंचाने वाले हैं, लोग हमसे दूरी बनाए रखते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे मिलनसार बना, मुझे मिलनसार बना, मेरे अंदर जो जो बातें हैं जो मुझे दूसरों से दूर रखती हैं, दूसरों को मुझसे दूर रखते हैं, उन सारी बातों को दूर करने, उन सारी आदतों को दूर करने के लिए मुझे शक्ति दे। मेरे शब्दों को मृदुल बना, मेरी आवाज को मृदुल बना, मेरे व्यवहारों को दूसरों को प्रेम देने वाले बना। आइए पवित्र आत्मा, मुझे भी यीशु की तरह बनाइए, मिलनसार, भलाई करने वाला। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। हमारे मन को कर दे उज
सियाराम प्रभु आकर हमारे मन को कर दे।